फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल सेंड नहीं होती तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन से कॉल करने पर कॉल अगर सेंड नहीं होती तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो सिम कार्ड होता है उसे बाहर निकाल कर उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है। ध्यान रखिएगा, सिम कार्ड को सिम ट्रे की स्लॉट 1 में लगाना है, उसके बाद फोन के अंदर डाल देना है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर है सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉइड सिस्टम। एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है, इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहां पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम आपको करना है, आपको जो ना अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। पहले आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना होगा, ठीक है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे की साइड ना सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाता है, इसे आपको टैप करना है। तो आपका जो है ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ अगर दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम करना है क्या, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे आपको टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आ जाएगा। इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन से जो कॉल सेंड नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, सारा का सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।